एक में से चार बज गए, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिया है। हमारी अभी बहस हुई सहरे वाले के साथ, तो हमें लगता था कि लड़कियों की शॉपिंग ही इतनी वो होती है, मुश्किल होती है, लेकिन नहीं, भैया ने हमको गलत ठहरा दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 1:30 बजे से, और आज हम जा रहे हैं तीनों शॉपिंग करने, क्योंकि आज करवा चौथ है, तो बाकी कोई आ नहीं रहा है। मैं, भैया और सपना जा रहे हैं भैया की शॉपिंग करने। भैया की तो शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही, फिर जब भी आ रहे हैं भैया कह रहे हैं कि मैंने किया ही किया है। 2 हफ्ते पहले भी भैया की शॉपिंग करने गए थे, लेकिन भैया की सिर्फ शेरवानी फाइनल हुई थी, तो आज भी देखते हैं कि क्या लेते हैं हम। सब कुछ ही तो लेना है अभी भैया के लिए। तो आज हम करवा चौथ के दिन इसलिए जा रहे हैं कि मार्केट में भीड़ कम होगी, क्योंकि करवा चौथ है। ऐसा ना हो कि मार्केट में दुकानें ही ना खुली हो करवा चौथ है, इसलिए। तो ये पीछे सपना पे फोकस, आप कुछ कहना चाहोगे? भैया ने कितनी जल्दी तैयार किया, बहुत जल्दी, सुबह 9 बजे से हम 9:30 बजे से तैयार हैं। भैया ने कहा था जल्दी निकलेंगे। भैया घर पे पर्दे लगाने बैठ गए, तो अभी बड़ी मुश्किल से भैया को लेके आए हैं। बहुत ही चुप्पी का शांति है भैया। भैया कह रहे हैं मैं अगले महीने जब गाँव जाऊँगा उससे एक संडे पहले शॉपिंग करूँगा, अभी से क्या ही करना। ये मैंने मेहंदी लगाई थी, तुमने गैस, ये हमारी मेहंदी चढ़ी है। इस हाथ में मेरी सास मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, इस हाथ में थोड़ा कम करती है, इसमें कल करेगी। इस हाथ में मेरा कम कर, नहीं, इस हाथ में जब मैं काम करूँगी तो मेरी सास मुझे प्यार करेगी, जब मैं काम नहीं करूँगी तो मेरी सास इस हाथ में इसलिए कम चढ़ी है क्योंकि मुझे गाली देगी। अभी हम सब मार्केट पहुँच चुके हैं और कार पार्क हो गई है, अभी चलते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर तो कार लेके जाने को बिल्कुल भी है नहीं, मार्केट के अंदर तो बाइक लेके जाने का भी नहीं है। गाइस हमें लगा आज भीड़ नहीं होगी, लेकिन आज भी भीड़ वैसे ही है मार्केट में जैसे नॉर्मल डेज की होती है। गाइस अभी हमने पगड़ी वालों को फ़ोन करके आए थे, पता नहीं उन्होंने तैयार भी की है कि नहीं, कह तो रहे थे कि ले जाओ, कि पगड़ी वाले पगड़ी लेके आए। गाइस हमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं करता है। हमारी अभी बहस हुई सहरे वाले के साथ और पगड़ी वाले के साथ, तो फाइनली हमने वापस कर दिया, हमें वो पसंद नहीं आया था, हमने कुछ और लेना था, और जो हमारा आया था वो कम का था थोड़ा सा, तो फिर हमने किसी तरह उससे कैश वापस ले लिया। हमने खाने के लिए हो गया, ये देखो पैसे, कुछ खाने के लिए हमारे लंच का बंदोबस्त हो चुका है। आधा घंटा हमें वहाँ पर बैठा के रखा अंकल ने, अभी ये कह रहे हैं ऊपर चले जाओ। हाँ जी, एक में से 4 बज गए, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया। गाइस इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भैया का फाइनली मेहंदी का आउटफिट भी फाइनल हो चुका है, वो भी बहुत मुश्किल से हुआ भैया के, धक धक आज भी तक कम आ गया तो भैया भैया ना कैसी हमारा कितना सामान, जो घर वालों ने बोला था हम कुछ नहीं लाए हैं, बस भैया का मेहंदी का आउटफिट, बस भैया का मेहंदी का आउटफिट रेडी किया है, वो भी इसलिए क्योंकि घर से ताई ने बोला था इसका मेहंदी का दिलवा देना, और भैया पता नहीं उसमें भी अभी भी सेटिस्फाई है कि नहीं। तो अभी हो गए हैं शाम के, भी नहीं रात के, लगा लो 6:30 हो गए, बाहर अंधेरा, और अब हम जा रहे हैं घर। हाँ जी, नहीं पहले हम अभी कुछ खाएंगे फिर जाएंगे घर। तो हमें लगता था कि लड़कियों की शॉपिंग ही इतनी वो होती है, मुश्किल होती है, लेकिन नहीं, भैया ने हमको गलत ठहरा दिया है।
भैया ने बताया है आज कि ये देखो हाँ सपना बस कि नहीं और लड़कियां गई थी कल्ले जाने तो ये तो हर जगह बार्गेनिंग करते करते रह जाते भैया ने हमें गलत साबित कर दिया नहीं लड़कियों की नहीं लड़कों की शॉपिंग भी 1950 भैया ने बता दिया कि हाँ लड़कों को भी इतना टाइम लगता है क्योंकि भैया ने आज सिर्फ मेहंदी के आउटफिट पसंद किया जब पिछली बार आए थे सिर्फ शादी के आउटफिट पसंद की थी हल्दी दे ले आई नहीं आपा कुछ पता ऑनलाइन हाँ भैया ऑनलाइन मंगा लो कुछ हल्दी के लिए देखते हैं कुछ ऑनलाइन ही मंगाएंगे कीर्तन पे अगर गगन भैया आपको कुर्ता दे दें करो येलो येलो तो मिलते हैं आपको जब हम कुछ खाएंगे तो सीधा भी खा सकते वैसे है ना तो अभी हम सौरभ की फेवरेट शॉप पे सौरभ यहाँ का रेगुलर कस्टमर है चंदन फास्ट फूड का सौरभ रेगुलर कस्टमर है तो यहाँ पे हम आए हैं सौरभ को यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है लेकिन हमें शायद नहीं मिलेगा क्योंकि हम रेगुलर कस्टमर नहीं हैं तो हम खा रहे हैं कुछ स्नैक्स सड़क भड़क अपनी वो नहीं अब हमारी पावरी हो रही है मोनू भैया हमें पिला रहे हैं पता नहीं क्या भैया ने कह रहे पी लो अच्छा होता है मैंने बोला तुमने बोला खुद और ये पास्ता है हमारा तो हम खा के मिलते हैं अभी हमारा रैप आना है रैप वो इधर दे दूंगी क्या भी नहीं अपा पर नहीं ना हो गाइस मैंने 3-4 बार व्लॉग बना दिया था लेकिन सपना ने बीच में बकवास की है जो बकवास आप सुन नहीं सकते हो तो इसलिए गाइस प्लीज मैं आपको घर जाके व्लॉग दिखाती हूँ जो भी है हम अब अपने घर को जा रहे हैं घर पहुँच के अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं मंदिर से लोग जा रहे हैं अपने घर अभी भाभी लोग पूजा करके आए हैं मंदिर से और चांद अभी नहीं आया है शायद चांद लगाएगा अभी 1-2 घंटे और मेरी ये वाली मेहंदी अभी थोड़ी और डार्क हो चुकी है पहले से अभी रेडी हो चुके हैं भाभी ने पहना है लहंगा आज करवा चौथ पे और भाभी का पहला करवा चौथ था कि भाभी हमारे भी यहाँ गए थे मंदिर वरना हम हमेशा जाते हैं भाभी के साथ मम्मी भी आ गई है मंदिर से और ये आनू का है आनू भी आ गया हेलो गाइस क्या है अनु क्या है आना ने क्या लिया शादी के लिए क्या लिया शादी के लिए तुमने महंगा महंगा कल तक घूम घूम डांस करते हैं घूमते कैसे करते हैं अब भाभी का है फुल लुक ये कैसा है ये लहंगा तो अच्छा लग रहा है भाभी का भाभी इसको पहनेंगे एक और ओकेजन पे जब पहनेंगे हेलो गाइस हेलो अरे अरे पापा का फोन पकड़ के हेलो आप भी आ जाना ठीक है मेरे चाचू की शादी बोलो आप सब भी आ जाना गाइस आना बोल मेरे दादी मेरे छोरी दादी ये तो आपकी किट तो गाइस अभी तक हम जो शॉपिंग की थी वही देख रहे थे और चीज़ें देख रहे थे भैया की जो शॉपिंग हो चुकी है तो अभी हम जाते हैं ऊपर चांद भी आ गया तो भाभी का वर्क खोल रहे अभी हम जा रहे हैं ऊपर मेरा चप्पल ले आ मैं अपनी चप्पल नीचे भूल गई थी सपना ला रही है और हम जा रहे हैं ऊपर हाँ जी तो अभी हम आ गए छत में वो लाए माचिस की तिल्ली देना मुझे थोड़ा देर ऊपर करना दे 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 चांद का और वो रहा चांद लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और सभी अपना व्रत खोल रहे हैं ऊपर छतों पे जहाँ जहाँ पे आपको लाइटें दिख रही हैं लाल दिए वहाँ पे सभी ने अपना व्रत खोल दिया है यहाँ पे भाभी अपना व्रत खोल रहे हैं